Kusum. कपूर इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई दवाइयों में जहर है। ये खबर जब आग की तरह फैल गई, तब विशेषज्ञ ने दवाइयों की प्रबल जांच के बाद ये घोषित किया कि ये खबर झूठी और बेबुनियाद है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी खबरों पे ध्यान न दें। ये सब क्या है? I'm sorry, मैं बिना नॉक किए अंदर चला आया। जो खबर फैलाई गई है वो सच भी हो सकती थी, बट आई थिंक यू गाइज आर लकी। जो केमिकल्स की डिलीवरी आपके पास पहुंचने वाली थी उसमें नकली ड्रग्स थे। ये तो एंड वक्त पर भाई साहब और जी छोटी से जी तुम और या तुम्हारा बुरा वक्त लोगों को सताना अच्छा लगता है क्यों? अब सुनो, एक काम करो, एक्सपायर्ड केमिकल्स अनलोड करो और उसमें जेन्युइन केमिकल्स डाल के कपूर इंडस्ट्रीज पहुंचा दो। क्या? मिस्टर त्रिशूल, समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे आपको थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कुसुम जी। प्लीज, मैंने पहले भी आपसे कहा मुझे थैंक यू मत कहिए, इट्स माय प्लेजर। और हाँ, अगर आप मुझे सिर्फ त्रिशूल कहेंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स। वैसे भी आपके बहुत एहसान है हम पर, और आज भी आपने बहुत बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया। आपने हमारे खानदान के लिए इतना कुछ किया, इसका शुक्रिया अदा कैसे करें?
आप लोग मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। इट्स माई प्लेजर। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो वो भी शायद यही करता। सो प्लीज ये सब बातें करके मुझे इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आई एम सॉरी मैं इसी तरह अंदर आ गया। यू गाइस कैरी ऑन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। नहीं नहीं प्लीज, व्हाई डोंट यू जॉइन अस हमारी पार्टी में कुसुम जी, फिर कभी। एक्चुअली मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई प्रॉमिस यू सम अदर टाइम। बाय, चलता हूँ। कुछ मत पूछो कसम, क्योंकि मैं तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं कोई जवाब नहीं मांग रही हूं अभय, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ मांग रही हूं। वापस आ जाओ अभय। क्या सोच रहे हो अभय? मैं आऊंगा कसम, लेकिन सही वक्त पर। क्यों अभय? अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर क्या तुम अब भी ताशु के साथ? नहीं कुसुम, प्लीज किसी नतीजे पे मत पहुंचना। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सही वक्त पर। कपूर इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई दवाइयों में जहर है। ये खबर जब आग के तरह फैल गई तब विशेषज्ञों ने दवाइयों की प्रबल जांच के बाद ये घोषित किया कि ये खबर झूठी और बेबुनियाद है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी झूठी खबरों पे ध्यान न दें। ये कैसे हो सकता है? अब समझ में किसी घमंडी औरत का जब घमंड टूटता है ना तो उसे कैसा लगता है? क्या करने आए हो यहां पर? क्या लेने आए हो? कश बस यही देखना चाहता था कि जो औरत दूसरों को तड़पाती है वो खुद कैसे तड़पती है। गलत कह रहे हो भाई, कुसुम को तो मैं इतना तड़पाऊंगी कि मरने को तरसेगी, और तड़पूंगी तो तुम भी। बहुत हो गया, आज तक मैं चुप रहा, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे मेरे परिवार के खिलाफ भड़काया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुना तुमने? कभी नहीं। मैं कामयाब होकर रहूंगी, तुम देख लेना, मैं कामयाब होकर रहूंगी। अब है जा देखो, मैं कामयाब होकर रहूंगी। We'll be right back.
मैंने किया क्या मां? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया? तुम मेरे बेटे हो, जो मैं कहूंगी तुम्हें वो करना है, तुम उसको उल्टा ही करते हो। आज तक मैंने वही किया जो आपने चाहा। आप ही तो मेरी दुनिया हो मां, लेकिन इस बार मैं आपको कुसुम जी के साथ अन्याय नहीं करने दूंगा। What rubbish! मुझे जो चाहिए होता है मैं वो हासिल करके रहती हूँ, सुना तुमने? आप ही ने तो मुझे सिखाया मां, दूसरों की भलाई करो। मैंने सिर्फ वही किया और आगे चलकर भी वही करूंगा। सरलाई से कहो कि यहां से चला जाए। मैं यहां रहने नहीं आया, कुसुम से कुछ बात करनी है अकेले में। मेरे सवालों का जवाब है तुम्हारे पास अब है? अब है तुम्हारी खामोशी हमेशा तुम्हारे खिलाफ जाती है। अगर कुछ है तो कह दो ना। क्या कहूं कसम, क्या कहूं? मैं जानता इस परिवार की नस में मैं हमेशा नाकामयाब रहा, पहले एक बेटे की हैसियत से, फिर एक पति की हैसियत से, और फिर एक बाप की हैसियत से। हमेशा और अब फिर से कसम। बताओ ना बात क्या है? समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं तुमसे कैसे कहूं। कसम ताशु से मेरा एक बेटा, ताशु से मैं
कुसुम, कुसुम, हे, क्या हुआ कुसुम? हाँ, क्या बात है बेटा? क्या कहा अभय ने? कुछ हुआ? अभय ताशु, क्या? अभय ताशु? क्या अभय ताशु? कुछ बोले कि तो पता चलेगा ना बेटा? अभी, अभी जी अभय का बेटा है, ताशु से है। बेटा, नहीं, नहीं कसम, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, तू पागल हो गई है कुसुम, तू पागल। पता नहीं अभय आया था या मुझे, पता नहीं। इतने सालों से घुट घुट के जी रही हूं मैं, और इस घुटन की वजह है कुसुम। कुसुम को तो इस बात की सजा मिलेगी, लेकिन हर वो इंसान, हर वो इंसान जो कुसुम का साथ दे रहा है, उसे भी पछताना होगा। तुम तो जानते ही हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अगर तुम मेरा साथ दो। थैंक यू सो मच। मैं भी उन दोनों की बर्बादी चाहती हूँ, एस्पेशली कुमुद। उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, आप जैसा कहेंगी। हेलो, हेलो, तुम कभी नहीं बदलोगी ना कली? नहीं बदलूंगी कर। वेट अ मिनट, अगर तुम्हारी वजह से कुमुद या कुसुम मॉम को जरा भी तकलीफ पहुंची ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू गॉट दैट? बुरे तुम क्यों बनोगे गर्व? बुरी तो अब मैं बनूंगी, बस तुम देखते जाओ। बहुत सह लिया मैंने, तुम मुझसे बदलने की बात करते हो, क्या तुम खुद बदले हो? तुम आज भी कुमुद से प्यार करते हो, इतनी बार ठोकरे खाने के बाद भी तुम आज भी कुमुद को याद करते हो। लेकिन एक बात याद रखना गर्व, अगर तुम मेरे ना हो सके तो और किसी के भी नहीं हो पाओगे। हाँ कली, फोन क्यों काट दिया? कौन बात कर रहा है? पता नहीं कौन थी वो, लेकिन मुझे कुमुद को बताना पड़ेगा कि वो संभल के रहे।